हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि मैटर क्या होता है, ठीक है। हमने जाना मैटर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, और क्या वो एक दूसरे के अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या सॉलिड लिक्विड बन सकता है, क्या लिक्विड गैस बन सकता है, एकदम बन सकता है, ये हमने जाना सब कुछ, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे कौन सा मैटर प्योर है या इम्प्योर है, यानी कि जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं, ठीक है, या जो भी चीज़ आप पहनते हैं, जो हम जिससे बने हैं, क्या हम प्योर हैं, नहीं हम इम्प्योर हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ब्लड है, हड्डी है, मांस है, मसल है, पता नहीं क्या क्या है। तो वैसे भी जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सॉल्ट, नमक, क्या ये प्योर है। जो घी होता है क्या वो प्योर है। जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, क्या वो प्योर है। प्योर यानी कि उसी एलिमेंट से बना हो, उसके अलावा और कोई उसमें चीज़ ना हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम दूध का, ठीक है। जब दूध में देखेंगे तो हम देखेंगे कि दूध में वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, बस दूध ही नहीं होता, उसमें दूध के साथ और भी कुछ होता है। क्या होता है उसमें, पानी होता है, फैट होता है जिससे हम मोटापा आता है, ठीक है। और क्या होता है दूध में, बहुत सारे उसमें रहते हैं, प्रोटीन्स रहता है। तो हम देख सकते हैं मिल्क क्या है, पर क्या है, दूध जो है वो क्या है, प्योर नहीं है, उस तरह का मिक्सचर है। तो साइंटिस्ट कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो क्या है प्योर हो। अगर होगी भी तो बहुत कम मात्रा में है, और उसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, और जो नहीं होगा उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। तो चैप्टर में यही खास कर पढ़ना है कि कौन सी चीज़ें प्योर है और कौन सी चीज़ें इम्प्योर है। देखो मैं आपको पूरा एक समरी देता हूँ कि चैप्टर में एक्चुअली होने का क्या वाला है, ठीक है। देखो देखो सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या होता है, वो हमने पढ़ के आ रहा है चैप्टर 1 में, ये पढ़ लिया है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन सा सब्सटेंस, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर। इम्प्योर वाले को हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब देखो जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। अब एलिमेंट कंपाउंड क्या है, देखो एलिमेंट वो सब्सटेंस है, या वो कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस है, जो और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में ना टूटे, यानी कि ये लास्ट है, अब इसके बाद इसको और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कॉपर, हो गया ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन को हम उससे ज़्यादा हो सकता है छोटा, नहीं हो सकता। आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी, ये सब ऐसे सब्सटेंस है जो बस इनके अंदर कौन सी गुण है, बस यही गुण है। अगर ऑक्सीजन होगा तो बस ऑक्सीजन होगा, कॉपर होगा तो बस कॉपर होगा। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड ठीक इसका उल्टा होता है, कि जो ये जो होते हैं इनको छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया पेयर सब्सटेंस के दो एग्जाम्पल, एलिमेंट और कंपाउंड। अब आते हैं मिक्सर में, मिक्सर में दो होता है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस ऐसा सोल्यूशन होता है जो बस उसी तरह के एलिमेंट होते हैं। जैसे कि एक पानी लीजिए एक गिलास और उसमें डाल दीजिए चीनी, तो कौन सा हो जाएगा, होमोजेनियस, यानी कि उस पानी में बस क्या है, चीनी है। और क्या है, सॉल्ट इन वाटर, पानी लीजिए और गिलास में क्या घोल दीजिए, सॉल्ट घोल दीजिए, जो नमक आता है हमारे घर में जो सब्जी बनती है उसको घोल दीजिए, तो उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस। क्यों होमोजेनियस बोलेंगे, क्योंकि उसमें बस क्या है, पानी और चीनी है, पानी और नमक है, इसलिए उसको होमोजेनियस बोलेंगे। अब जो हेट्रोजेनियस होता है वो मिक्सर होता है, पानी के साथ धूल भी होगा, धूल के साथ पत्थर भी होंगे, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस, ठीक है। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा अभी जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है, तब कि आप जिंदगी भर में नहीं भूलेंगे इसका ट्रिक क्या है, ठीक है, या कहे तो अभी बता देता हूँ मैं ताकि याद रहेगा। देखो होमोजेनियस जो होता है, ठीक है, इसका ट्रिक है याद करने का, होम, ये होम यानी क्या होता है, घर होता है ना, होम मतलब घर ही होता है। तो घर में कौन रहता है, बस हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, हमारे पापा रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, चाचा रहते हैं, चाची रहती हैं, बाबा रहते हैं, बाबा रहते हैं, ठीक है, ये लोग रहते हैं। इसका मतलब होमोजेनियस वो है जो बस घर के मेंबर हो, उसके अलावा और कोई ना हो, यानी कि पानी हो और चीनी हो, ठीक है। अब देखो जो हेट्रोजेनियस होता है उसको मान लेते हैं मेट्रो, मेट्रो ट्रेन देखे हैं ना, जो ट्रेन घूमती है मेट्रो काफ़ी फास्ट होती है, तो हम देखते हैं मेट्रो में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, यानी कि अलग अलग फैमिली के लोग होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ साथ होते हैं, सब एक जगह एक ही ट्रेन में घूमते रहते हैं। तो उस तरह समझ सकते हैं कि उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस अगर एग्जाम में आता है तो आप बता सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें सैंड भी होगा, धूल भी होगा, चीनी भी होगा, नमक भी होगा, पानी भी होगा, लेकिन जो होमोजीनियस होंगे वो बस घर के लोग होंगे, यानी कि या तो चीनी पानी होगा या तो नमक पानी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अब देखते हैं चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डिफिनीशन कि प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे हम, ठीक है। देखो कह रहा है अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। देखो जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, जो प्योर चीज़ें होती हैं उसमें बस एक तरह के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया होमोजेनियस, बस एक तरह के जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, यानी कि बस आपकी फैमिली उसमें रहेगी, उसको बोलते हैं प्योर फैमिली या प्योर पार्टिकल्स। यानी कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल रहेंगे और उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए। जैसे दूध था, यहाँ पे दूध में क्या था, पानी भी था, फैट भी था, प्रोटीन भी था, यानी कि ये प्योर नहीं है, क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, कई सारे चीज़ों का मिक्सचर है।
तो वही कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस उसी को कहेंगे जो बस क्या हो, एक तरह के सामान को रखता हो। जैसे कि अब एग्जांपल में हम क्या ले लेंगे, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। बस अभी डिफिनेशन दिया आपको, कह रहा है अगर दूसरी भाषा में इसको डिफाइन करें क्या होगा, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें बस एक ही तरह के क्या होंगे, मैटर होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, जो ऑक्सीजन होगा, जो कॉपर होगा, जो मेटल होगा, वो क्या होगा, बस एक तरह के मिक्सर होंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ लीजिए, अगर उसे जो अगर प्योर उसे कहना है तो तभी हम प्योर कह सकते हैं जब उसके अंदर क्या हो, बस उसी की प्रॉपर्टी हो, उसमें और कोई चीज़ ना मिला हो, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, और बाकी जो होगा उसको बोलेंगे हम मिक्सर, ठीक है। अब देखो व्हाट अगला टॉपिक आता है, व्हाट इज़ अ मिक्सर। हमने देखा प्योर सब्सटेंस यानी कि जिसमें एक तरह के क्या हो, मिक्सर हो, यानी कि एक तरह का मटेरियल हो। अब मिक्सर्स के नाम से ही क्या होता है, मिक्स हो गया है, यानी कि सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिक्स है, उसमें धूल भी रहेगा, चीनी भी रहेगा, नमक भी रहेगा, पत्थर भी रहेगा, पानी भी रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सर। इसका इसलिए कहता है कि मिक्सर्स आर द कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एक से ज़्यादा उसमें क्या रहेंगे, मटेरियल्स रहेंगे। जैसे कि सोल्यूशन मान लेते हैं किसका, धूल का, उसमें पत्थर भी रहता है, धूल भी रहता है, मिट्टी भी रहती है, ठीक है, और छोटे छोटे कण भी रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मिक्सर। अब देखो टाइप ऑफ मिक्सर भी होता है कि मिक्सर भाई हो गया, अब उसके टाइप क्या है, मैंने बताया था पीछे होमोजेनियस होता है और हेट्रोजेनियस होता है, ठीक है। होमोजेनियस क्या होता है, जिसमें बस क्या हो, नमक या पानी हो या चीनी पानी हो, माने कि बस फैमिली वाले हो और कोई ना हो। और हेट्रोजेनियस क्या होता है, इसमें कई तरह के लोग आने, पत्थर भी होगा, साल्ट सोल्यूशन होगा, चीनी भी होगा, नमक भी होगा, पत्थर भी होगा, धूल भी होगा, मिट्टी भी होगी, साथ में पानी भी होगा, तो उसी को हम बोलेंगे मिक्सर। तो मिक्सर का अगर हमको क्या बताना हो, डिफिनेशन बताना हो, तो हम क्या बताएंगे, मिक्सर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ प्योर मैटर, यानी कि एक से ज़्यादा मटेरियल उसमें रहेंगे, उसको हम बोलेंगे मिक्सर। तो हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर क्या है, मिक्सर ही है, कोई भी फॉर्म जल्दी प्योर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्योर गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, नहीं कहते हैं लोग कि हमें प्योर गोल्ड चाहिए, क्योंकि सोना भी क्या होता है, मिक्सर होता है, ब्रास वगैरह उसमें मिला देते हैं, सोने की कीमत घट जाती है, तो प्योर गोल्ड हमेशा लेना चाहिए 24 कैरेट का, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा दूसरा, व्हाट इज सॉल्यूशन। पहले मिक्सर था, हमने जाना जब दो या दो से अधिक मटेरियल मिल जाते हैं तो उसको मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है ना, होमोजेनियस मिक्सर, जिसमें फैमिली वाले बस रहते हैं, यानी कि नमक पानी या चीनी पानी, ठीक है। दूसरा आता हमारा हेट्रोजेनियस, जिसमें कई तरह के आ जाते हैं, तब उसके देखना है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ठीक उसके आगे का प्रोसेस है, जैसे अभी हमने देखा था होमोजेनियस में क्या था, लिखा है ना, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंस, यानी कि होमोजेनियस मिक्सर को तभी कहेंगे जब क्या हो, या तो नमक पानी हो या तो चीनी पानी हो, उसमें धूल वगैरह नहीं होना चाहिए, तो तभी हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस यानी घर के लोग हैं, ठीक है। दूसरा आता हमारा हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, ये देखो एग्जाम में ऐसे वर्ड है ना जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो होता है होमोजेनियस, ठीक है, और हेट्रोजेनियस एग्जाम में हर साल आते हैं, 3 या 4 नंबर में हमेशा आते हैं, ऐसा कोई साल ही नहीं है जो आए ना, हफरलिम भी आएगा, एनुअल में भी आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, होमोजेनियस वो मिक्सर होता है जिसमें क्या हो, बस दो सोल्यूशन हो, और हेट्रोजेनियस क्या हो, जिसमें कई सारे सोल्यूशन हो। देखो अब यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर, अ सोल्यूशन को, या सोल्यूशन मतलब होता है ये क्या, चीनी या पानी या नमक या पानी, ठीक है, तो उसी को सोल्यूशन बोलेंगे या उसी को होमोजेनियस मिक्सर बोलेंगे जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस उसमें रहेंगे। जैसे कि नींबू पानी, एग्जांपल में दिया है ना, लेमनेड, लेमनेड होता है नींबू पानी, नींबू और पानी को जब आपस में मिला देते हैं तो भी एक तरह से क्या होता है, होमोजेनियस हो जाता है, क्यों, क्योंकि बस नींबू का जूस होता है और पानी होता है, यानी दो तरह के बस मटेरियल होता है और उसमें कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो लेमनेड हो गया, और क्या हो गया, सोडा वाटर हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, ये सब क्या है, किस में आ जाएंगे, हमारे होमोजेनियस में आ जाएंगे सारे, ठीक है। अब देखो तेरा, वी कैन आल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशन एलॉय, गैसियस सोल्यूशन एयर इन द सोल्यूशन इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, लेमनेड टेस्ट द सम थ्रू आउट दिस पार्टिकल सुगर सॉल्ट, कहने मतलब वही कह रहा है कि देखो जो सोल्यूशन होता है, जो मतलब जो होमो सोल्यूशन होता है, जो होमोजेनियस होते हैं, जो एक तरह के होते हैं, वो कई तरह के होते हैं, जैसा अभी बताया यहाँ पर लेमनेड यानी कि नींबू पानी, हमने बताया था चीनी और पानी, और क्या हो सकता है, जो ग्लूकोज होता है वो तो मिक्सर हो जाए, ग्लूकोज में कई सारी चीज़ें होती हैं, तो 2-3 आप एग्जांपल याद रख लीजिएगा, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन, ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। तो ये हो गया पहला सोल्यूशन। अब आते हैं हेट्रोजीनियस पे, यानी कि जिसमें कई तरह के क्या रहते हैं, मटेरियल्स मिले हुए रहते हैं। देखो यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है एक सोल्यूशन है जिसमें क्या चीनी है, यानी कि चीनी है और पानी है, उस सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बोलेंगे, ऐसी बात है, बस चीनी और पानी रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सर बोलेंगे।
और चीनी के साथ क्या रहता, अगर सॉल्ट भी रहता, सॉल्ट और क्या रहता, पानी रहता, तब भी हम क्या बोलते, होमोजेनियस बोलते। और क्या रहता, नींबू और पानी रहता, तब भी हम होमोजेनियस बोलते, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें बस दो सब्सटेंस हो, या तो चीनी पानी हो, या तो नींबू पानी हो, या तो सॉल्ट और पानी हो, तो हम उसको होमोजेनियस बोलेंगे। उसके अलावा कोई भी आता है, अगर सैंड वगैरह आ गया, धूल वगैरह आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे। इसके बाद हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये थोड़ा सा टॉपिक बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ लगता है। क्यों टफ लगता है, देखो इसलिए टफ लगता है, इसमें फार्मूला आ जाता है, और फार्मूला बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूँ। देखो जो कंसंट्रेशन होता है ना, इसका मतलब सिंपल सा यही होता है कि एक चीनी के अंदर, यानी कि मान लेते हैं एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास के अंदर ये पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है। अब इस पानी के अंदर कितनी मात्रा में चीनी है या कितनी मात्रा में नमक है, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ज़्यादा चीनी रहेगा तो यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कम चीनी रहेगा तो कम कंसंट्रेशन है। यही चीज़ में भी आ जाएगा, नमक में भी। अगर ज़्यादा नमक डालेंगे ग्लास में तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। वही चीज़ किस में होगा, उसमें भी होगा, नींबू पानी में भी। अगर इस ग्लास में आप ज़्यादा नींबू क्या कर दिए, डाल दिए, इसका मतलब हम कहेंगे कि नींबू का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। कंसंट्रेशन का सिंपल सिंपल होता है मात्रा, ठीक है, जितना मात्रा उतना कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कभी भी किसी को जैसे मान लेते हैं मोच वगैरह आ जाता है, तो गर्म पानी में क्या करते हैं, हम लोग गर्म पानी लेते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी, और उसमें डाल लेते हैं नमक, और फिर जो जहाँ पर चोट लगा रहता है उसको धो लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हड्डी थोड़ा जो मोच वगैरह रहता है थोड़ा आराम मिलता है। क्यों आराम मिलता है, वो आप हाइयर क्लास में पढ़ेंगे। कहने मतलब ये है कि टॉपिक का जब भी आएगा एग्जाम में, कंसंट्रेशन होता क्या है, तो कंसंट्रेशन का सीधा मात्रा होता है मात्रा, ठीक है, कि कितनी मात्रा में आप क्या डालना है, चीनी या नमक या नींबू पानी डाल रहे हैं। तो एक गिलास में चाय गिलास कितना भी बढ़ाओ, चाहे बल्टी क्यों ना हो, उसमें जितना चीनी डालेंगे उतना उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, जितना नमक डालेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जितना आप सामान डाल रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब देखो, अब दो चीज़ आता है, एक आता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है मैंने बता दिया है, यानी कि जब चीनी और नमक पानी को, यानी कि चीनी और पानी को जब घोल देंगे तो उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे ये था हमारा सॉल्यूशन, ये ग्लास था, ग्लास के अंदर हमने क्या डाला, चीनी या नमक डाला, दोनों में से कुछ एक चीज़ को डाला, मान लेते हैं चीनी डाला, ठीक है। चीनी को डाल के जब अच्छे से उसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, जब चीनी अच्छे से मिल जाएगा उसमें, तो उसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। मिलने के बाद यानी कि जब चीनी पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और जो चीनी होता है उसी को बोलते हैं हम सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। चीनी हो गया, नमक हो गया, नींबू हो गया, ये सबको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। और जब सॉल्यूशन बन जाएगा, जब घुल जाएगा, तो बोल देंगे सॉल्यूशन। अब देखो, किसी भी चीज़ का जब परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसका फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितने ग्राम में आप चीनी डालें, कितने ग्राम में आप क्या डालें, सॉल्ट डालें, या कितने ग्राम में नींबू डालें, और अपन क्या कर देंगे हम, सॉल्यूशन, और इनटू 100 कर देंगे, ख़त्म आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा बेसिक जाना करिए कि सॉल्यूट होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, जब चीनी घुल जाता है या नमक घुल जाता है किसी ग्लास में, तो उसको ग्लास को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और जो हम चीनी डाल रहे हैं, जो नमक डाल रहे हैं, जो नींबू डाल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और उसी को जब बढ़ता चला जाएगा तो उसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन। जितना चीनी डालेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना नमक डालेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया मास बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का अगर मास परसेंटेज निकालना हो एग्जाम में, तो क्या लिखेंगे हम कि सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम की 50 ग्राम, ठीक है। उस हिसाब से गुणे 100 कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, वही चीज़ यहाँ भी दिया है कि अगर मान लो वैल्यू परसेंटेज निकालना हो एग्जाम में, जैसे पूछ लिया ये तथा हमारा मास वाला, अगर वॉल्यूम पूछ लिया कि जो सॉल्यूशन है आपका उसका वॉल्यूम कितना है, तभी भी यही फार्मूला लगेगा। सॉल्यूट ऊपर रहेगा, सॉल्यूशन नीचे रहेगा, बस क्या रहेगा, जो ग्राम में होगा सॉल्यूट ऊपर लिख देंगे, और जो वॉल्यूम होगा लीटर में या ml में, उसको नीचे लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, खत्म। देखो, हमेशा नीचे सॉल्यूशन रहता है, ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहता है। सॉल्यूट क्या होता है, नमक, चीनी, नींबू, ये सब होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, वही चीज़ जब पानी में घुल जाता है तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वॉल्यूम निकालना रहेगा, जो निकालना रहेगा उसको हम क्या रख देंगे, नीचे रख देंगे, और ऊपर सॉल्यूट हमारा है ही। देखो, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, लिखा है ना मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछा है, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम को हम नीचे उगाड़ के सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी वही पूछा है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो तीन फार्मूला बनता है हमारा कंसंट्रेशन पे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ध्यान सुनिएगा, बस आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है, जैसे सुनेंगे ध्यान लगा के, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहा है अब सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है 40 ग्राम क्या कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक, और कितना में 320 ग्राम वाटर, यानी कि जो पानी की जो वैल्यू है, यानी कि जो वाटर है, ठीक है, जिस ग्लास में,
उसकी वैल्यू कितनी है 320 ग्राम है, और जो साल्ट है जो नमक है उसको कितना है 40 ग्राम लिया है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो 40 ग्राम है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है 320 ग्राम है। पानी को हम बोलते हैं सॉल्वेंट, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पानी को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं, और नमक को क्या बोलते हैं या चीनी को क्या बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। अब देखो क्या बोला है निकालने के लिए, बोला है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स मास बाय परसेंटेज, क्या लिखा है मास बाय परसेंटेज, जो पूछ रहा है उसको नीचे उतार देंगे, ठीक है, मास परसेंटेज पूछ रहा है ना, गुणे 100 कर देंगे और उतार देंगे। ये अर्घा होगा फार्मूला कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहता है, चीनी नमक हमेशा ऊपर रहता है और सोल्यूशन हमेशा नीचे रहता है, और गुणे 100 कर देंगे तो 40 था 320 और जोड़ दो। जैसे ये देखो पानी कितना था 320 ग्राम, ठीक है, मैंने क्या बोला सोल्यूशन क्या होता है, जब चीनी उसमें घुल जाती है या नमक उसमें घुल जाता है उसी को हम बोलते हैं सोल्यूशन। तो ये जब 40 ग्राम नमक को इस पानी में डालेंगे तभी तो सोल्यूशन हमारा तैयार होगा, तो जब डालेंगे तो कितना हो जाएगा 360 ग्राम हो जाएगा भाई, 40 था हमारा नमक और 320 कितना था हमारा पानी था, जब दोनों को मिलाएंगे तभी तो हमारा सोल्यूशन तैयार होगा, तो उसी सोल्यूशन को कितना लिखेंगे हम 320 और 40 कितना हो गया 360 हो गया, और सॉल्यूट ऊपर कितना है 40, 0 से 0 खत्म, और 40 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11.1% आएगा आंसर। इस तरह से तीनों फार्मूला हमारा बन जाएगा, और इसी तरह से एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है, इससे कोई अलग नहीं आता है, आपको साल्ट दे देगा यानी कि सॉल्यूट दे देगा और पानी दे देगा, दोनों को मिला देंगे और जो पूछेगा उसको नीचे लग के सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है टॉपिक, आता है व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन वाली मतलब वो सस्पेंशन नहीं कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, ये दूसरा सोल्यूशन है। देखते हैं, देखो जो सस्पेंशन होता है ना ये ज़्यादातर किसमें होता है, हेटरोजीनियस मिक्सर में होता है, मैंने बताया अभी हम जो हम पढ़ रहे थे वो था कौन होमोजीनियस, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेटरोजीनियस। तो जो सस्पेंशन होता है ना वो हेटरोजीनियस में होता है, हेटरोजीनियस में मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज़ें होती हैं वो घुलती नहीं है भाई, पानी में अगर आप धूल घोलेंगे या सैंड घोलेंगे तो क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा, क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है, वो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है घुलने का। तो वही कह रहा है कि जब भी हम सोल्यूशन लेंगे, जब उसमें हम कोई भी सॉल्यूट डालेंगे, क्या डालेंगे, मिट्टी डाल रहे हैं, धूल डाल रहे हैं, तो पानी में तो घुलेगा नहीं, जब नहीं घुलेगा तो वही नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है भाई। आप एक्सपेरिमेंट करिएगा घर पे जाके, ठीक है, एक गिलास लीजिएगा, गिलास में पानी भरिएगा, ठीक है, आधा आधा गिलास भर दीजिएगा और ऊपर से क्या डालिएगा, धूल डाल लीजिएगा और चम्मच को खूब घोलिएगा, ठीक है, अच्छे से घोलिएगा उसको, 10 मिनट बाद घुलेगा, 20 मिनट बाद घुलेगा, आधे घंटे तक घुलेंगे, दिन भर घुलते रहेंगे ना, तभी वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, बस उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन बन जाता है, सस्पेंशन इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो मिट्टी होती है, जो धूल होती है, वो डिजॉल्व नहीं होती है उस पानी में, और क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है पूरे मीडियम में, और पार्टिकल्स जो रहते हैं क्या उसके धूल वगैरह के, वो नीचे जाके बैठ जाते हैं और हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है, किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो ये आसानी से घर पे कर सकते हैं, पानी लीजिएगा बाल्टी में और ठीक है, और इतना धूल लेते आइएगा और पन्नी में धूल यानी कि बाल्टी में धूल डाल दिया खूब, उसे अच्छे से डिजॉल्व करिएगा। अब दिन भर 24 घंटा सालों साल करते जाएंगे वो कभी डिजॉल्व नहीं होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हेटरोजीनियस। क्यों हेटरोजीनियस बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रेन में लोग होते हैं मेट्रो में वे घर के नहीं होते हैं और कभी भी ये घर के नहीं हो सकते, इसलिए वो क्या बोलते हैं हेटरोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर रखिएगा ताकि कभी भूलेगा नहीं। तो सस्पेंशन यानी कि ऐसी सोल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट क्या हो रहा है डिजॉल्व नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है पानी में, उसी को हम बोलेंगे क्या सस्पेंशन। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं सस्पेंशन की, जैसे कह रहा है जो सस्पेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है हेटरोजीनियस मिक्सर होता है। क्यों होता है, अभी हमने पता है भाई दो ही मिक्सर होते हैं होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन डिजॉल्व हो जाता है, चीनी नमक हमेशा डिजॉल्व हो जाएगा लेकिन जो धूल वगैरह होगा वो डिजॉल्व नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या हेटरोजीनियस, और किसमें आता है सस्पेंशन। तो पहला प्रॉपर्टी एग्जाम में तीन नंबर में आएगा, तो तीन नंबर में आएगा तो कितना पॉइंट लिखना रहेगा तीन। सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन लिख देंगे, क्या सस्पेंशन इज अ हेटरोजीनियस मिक्सर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है हेटरोजीनियस मिक्सर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट कह रहा है एक सेकेंड, हाँ दूसरा पॉइंट कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, यानी कि जो भी हम पार्टिकल्स डालेंगे जो धूल वगैरह डालेंगे पानी में वो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, हमको उसके लिए कोई किसी भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट विजिबल, जब भी उस ग्लास में हम क्या करेंगे टॉर्च जलाएं, अगर रात को भी घूल रहे हैं ऐसा है जो धूल है तब भी वो डिजॉल्व नहीं होगा, रात को जब हम टॉर्च जलाएंगे उस ग्लास में इस तरीके से तो सारा का सारा जो मॉलिक्यूल्स होगा जो पार्टिकल्स होंगे जो धूल होंगे वो दिखाई देंगे साफ साफ,
तो ये कह रहा है नेक्ड आंखों से हमको क्या करेगा, विजिबल होगा, दिखाई देगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम हेटरोजीनियस मिक्सर। क्यों हेटरो बोलते हैं? क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होता पानी में जाके, ठीक है। अब देखो इसके टॉपिक आता है व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल क्या होता है ये इसी से संबंधित है, देखते हैं। देखो जो कोलाइडल होता है ना उसमें थोड़ा सा जादू होता है, जादू यानी कि वो वाला जादू वाला, कोई मिल गया जादू वाला। देखो कैसे क्या होता है, आप लोगों ने दूध तो देखा ही होगा, दूध ससब ने पिया होगा, ठीक है, गाय भैंस का। तो जो दूध देखेंगे ना उसमें आपको लगेगा कि ये जो पानी है, मतलब जो दूध है वो ऐसा लगेगा कि आपको क्या है वो होमोजीनियस है, यानी कि हर चीज़ उसमें क्या हुआ है, डिजॉल्व हो गया अच्छे से। लेकिन वास्तव में रियलिटी में क्या होता है, वो हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। उसी को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि हमको देखने से लगेगा कि वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ऐसा लगेगा कि वो सब एक परिवार के हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो सब अलग अलग परिवार के होते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो गुंडे होते हैं ना, गुंडे कहते हैं ना, गुंडे हैं बाहर खड़े हैं, तो गुंडे क्या होते हैं, आपस में एक साथ रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो अलग अलग परिवार के होते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं कोलाइडल, जो आपस में क्या करते रहे, कोलाइड या लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, मैं अंग्रेजी हिंदी में समझा दिया हूँ, अंग्रेजी में देखते हैं। देखो कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी जो भी सॉल्यूशन आता है, जो पानी होते हैं उनके अंदर जो सॉल्यूट रहता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी तरह से मिल गई होती हैं, देखने से लगता है, क्योंकि उनके साइज काफ़ी छोटी होती है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि जो दूध के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फैट होता है, जो प्रोटीन होता है, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, हमको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि जो दूध है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन वास्तविक में क्या होता है, एस कम्पेयर टू डेट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस है। दूध ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वही लिखा है बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में क्या होता है, एक्चुअली मतलब होता है वास्तविक में। तो वास्तव में क्या होता है, जो क्लाइडर सोलूसर होता है वो एक हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मिल्क, ठीक है। तो ये भी दो नंबर में आएगा, दो नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा। तो दो नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ना, वो देखने के लिए अगर जब हम आई से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो होमोजेनियस है, लेकिन होमोजेनियस नहीं होता है, वो धोखा होता है आँखों का, वो असल में क्या होता है, हेटरोजीनियस होता है। एग्जाम्पल में मिल्क हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम जब पढ़ते हैं ना तो हमको कभी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर में नहीं भूलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोटे साइज की वजह से हमको होमोजीनियस दिखता है। अगर रीजन भी पूछ लिया आपसे, मान लीजिए रीजन आपने नहीं लिखा कि क्यों हमको होमोजीनियस दिखता है लेकिन होता हेटरोजीनियस है, तो आप सिंपल सा बात क्या लिखेंगे, क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हमको वो होमोजीनियस दिखते हैं, जैसे कि दूध, ठीक है। देखो एक वर्ड है जो आपको हमेशा क्या करेगा, तंग करेगा, यानी कि जब तक आप 12th पास नहीं कर लेते ना, अभी 9th में है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इससे बढ़िया है यहीं पर इसको समझ के ख़त्म कर दीजिए। देखो उसका नाम है टिंडल इफेक्ट। क्या नाम है? टिंडल इफेक्ट। होता क्या है ये, देखो जंगल में आप लोग कभी घूमने गए हैं सुबह सुबह, जो बच्चे गए हैं वो तो ठीक है जानते होंगे, अभी जब मैं बताऊंगा तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं गए होंगे उस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है, बड़े बड़े पेड़ हैं और खूब सारा लाइट आ रहा है रेस के तरफ में, तो टिंडल इफेक्ट इसी को कहते हैं। वही लिखा है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, कब, जब सनलाइट पास करेगा किसी कैनोपी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल होते हैं, जब उसमें सूरज की रोशनी आती है, तो सूरज की रोशनी कैसी आती है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में आती है, ऐसा लग रहा है कोई टॉर्च जला रहा होता है। देखो इस फिगर में जब ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कोई टॉर्च जला रहा होता है, उसी को बस हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब यही तुम्हारा 10th में भी होगा, 11th में भी होगा, 12th में भी होगा, और तीनों में हमेशा एक एक नंबर में या दो दो नंबर में आता रहता है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है, कोलाइड डिस्पर्जन की वजह से, क्योंकि हवा में भी क्या होता है, कोलाइड हो जाता है, जो हवा रहती है वो ऐसा लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन होते क्या, वो मिक्सर होती है। जैसे आपके रूम में जब अंधेरा रूम होगा तो ऐसा लगता है कि हवा में कुछ है नहीं, जब हवा चलती है ना तो ऐसा लगता है बस हवा चल रहा है, लेकिन हवा के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वही जब क्या बोलते हैं, धूप की रोशनी पड़ती है तो सारा का सारा लाइट इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। जब अंधेरे रूम में रहेंगे ना तो अंधेरे रूम में जब धूप की रोशनी आती है तो ऐसा ही होता है हमें, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी कोलाइड के क्या होता है। कह रहा है जो कोलाइड होता है ना वो भी हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है। भाई जाहिर सी बात है, हवा जो होता है, जो हमारा वातावरण होता है, देखने से लगता है कि सब कुछ साफ है, ठीक है, लेकिन उसमें उसके अंदर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होगा तो कोई भी हवा जब देखेंगे ना तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे धूल होते हैं, तो उन्हीं की वजह से क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। देखो दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है
द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल। भाई जाहिर सी बात है, जो हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है। फिर कह रहा है जो कोलाइड्स होते हैं वो बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो तभी दिखते हैं जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, रोशनी होती है। ठीक है, जैसे कि जंगल में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। जंगल छोड़िए, ठीक है, रूम में जब आपका रूम बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा दिन में, दिन के समय, रात के समय में नहीं, जब दिन के समय में क्या करिए, रूम में अंधेरा कर दीजिए और बस किसी एक या दो जगह से क्या करिए, धूप की रोशनी को आने दीजिए। जब धूप की रोशनी आएगी रूम में तो देखेंगे आपके रूम में क्या है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऐसे रैंडमली उड़ रहे होंगे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्यों होता है? क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर कह रहा है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अंडरस्टर्ब, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। यानी कि जो कोलाइडर सोल्यूशन होता है, यानी जो टिंडल इफेक्ट होता है, वो स्टेबल होते हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करते रहते हैं और हमेशा मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस दिने में करते हैं, रात में भी करते हैं, लेकिन रात में हमको नहीं दिखाई देता है क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोलाइडर सोल्यूशन या टिंडल इफेक्ट। ठीक, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे पता चलेगा कि टिंडल इफेक्ट है कि नहीं है। देखो अब कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, फॉग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में देखते होंगे, जो सुबह सुबह जो क्या होता है, क्लाउड रहता है, मिस्ट रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं। जब उसमें अगर टॉर्च लाएंगे तो रोशनी क्या आएगी, इस तरीके से आएगी जैसे ऊपर आ रही थी। ऐसे स्मोक भी जब होता है, ठीक है, शेविंग क्रीम जो होता है उस तरह का, दूध में भी ऐसे ही होता है, मतलब कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले चैप्टर पे, सॉरी अगले टॉपिक पे। क्या है, सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर। मिक्सर क्या होता है, अभी हमने देखा, जब उसमें दो या दो से अधिक चीज़ें क्या हुई रहती हैं, आपस में मिली हुई रहती हैं। जैसे कि धूल था, धूल के अंदर क्या थे, पत्थर भी थे, धूल भी था, मिट्टी भी था, और भी कई सारी चीज़ें थी। तो उनको अगर अलग अलग करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। हमने क्लास 8 में पढ़ा था, कई सारी क्या पढ़ा था, चीज़ें पढ़ी थी अलग अलग करने के लिए। जैसे वहाँ पर दो तीन चीज़ें दिया हुआ है, कह रहा जितने भी तरह के हेट्रोजीनियस मिक्सर रहते हैं, भाई होमोजीनियस मिक्सर में तो अलग अलग करना नहीं रहेगा क्योंकि उसमें दो ही सब्सटेंस रहते हैं, इसलिए इसका नाम भी होमोजीनियस है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होते हैं, जिसमें कई तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उनको अगर अलग अलग करना, यानी कि सेपरेट करना, सेपरेट मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो जब हम सेपरेट करेंगे उसको किस किस तरीके से या किस किस मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पीकिंग, या तो हाथ से बुनना पड़ेगा, जैसे जो घर में आपकी मम्मी है ना, जब दाल वगैरह बनता है, जब चावल वगैरह बनता है, तो चावल में या दाल में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो देखती होंगे ऐसे लेती हैं थाली में और उसको कंकड़ हटा के हाथ से बीन के अलग करती हैं ताकि दाल में कंकड़ वगैरह ना रहे। तो उसी को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग, यानी कि हाथों से बुना जाने वाला कंकड़। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सीविंग। सीविंग क्या होता है, एक चलनी होती है, चलनी में क्या डालते हैं, दाल वगैरह डालते हैं और ऐसे चलते हैं। ठीक है, जिस वजह से जो पत्थर वगैरह होता है वो नीचे चला जाता है और दाल वगैरह ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो सीविंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर जानते हैं ना, इसको पानी को साफ करते हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, पानी को साफ कर सकते हैं। जैसे पानी मान लेते हैं गंदा है, नाली का पानी लिए हैं, नाली को पानी को एकदम साफ करना है, तो फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर पर सारा पानी गिरा देंगे और क्या करेगा, छान के साथ साफ पानी निकाल देगा और जो गंदा पानी होगा वो ऊपर ही रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन चार तरीके हैं यहाँ पर दिया गया है। जो आप क्लास 8 में पढ़ते, तो मैंने क्लास 8 में 10 तरीके बताए थे अलग अलग करने के लिए, लेकिन क्लास 9 में बस 3 तरीके बताए गए हैं, तो उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है हैंड पिकिंग, ठीक है, हाथों से बुना जाने वाला, सीविंग चलनी वाला, फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ। देखो कह रहा है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो दूध रहता है ना, दूध उसे जो क्रीम निकालते हैं, जैसे जो अमूल वाले दूध होता है, जो ज्ञान का दूध होता है, या किसी भी तरह के जो कंपनियां हैं, उसको हम देखते होंगे कि जो कुछ दूध ऐसे आते हैं जिनके अंदर क्रीम नहीं रहता है। ठीक है, उसको जब उबालेंगे तो उसमें से क्रीम नहीं निकलेगा, उसमें साड़ी वगैरह नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं टोंड मिल्क। टोंड मिल्क मतलब कि होता है उसमें से क्या निकाल लिया गया है, जो क्रीम था सारा का सारा निकाल लिया गया था। कैसे निकालते हैं, देखो उसको तरीके लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। वही यहाँ पर कह रहा है जो लिक्विड होता है, जो दूध होता है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ क्रीम होते हैं जिनको निकालने के लिए टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है आ सेपरेट बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है या वन वर्ड में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी वजह से दूध में से क्रीम हम निकाल सकते हैं, तो सेपरेट बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, ये बस दूध निकालने, दूध में से क्रीम निकालने की नहीं, इसके अलावा भी कई सारे इसके यूजेस हैं। क्या क्या यूजेस हैं, देखो तीन यूजेस दिया है। सबसे पहला यूज आता है कि डायग्नोस्टिक में, यानी कि जो लैब वगैरह रहते हैं, जो आपका क्या रहता है लैब में, जो टेस्टिंग लिया जाता है ब्लड वगैरह या
यूरिन वगैरह आता है उसको टेस्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का काम आता है। इसे जो डॉक्टर यूज़ करते हैं आपका ब्लड वगैरह चेक करने के लिए कि ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसका यूज़ होता है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन का। दूसरा जो यूज़ होता है वो घर में या डेयरी में होता है क्या करने के लिए, वही दूध से क्या निकालने के लिए, बटर वगैरह निकालने के लिए या मिल्क वगैरह से क्या निकालने के लिए, उसमें जो क्रीम होता है वो निकालने के लिए। तीसरा में यूज़ होता है वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, यानी कि जो भीगे भीगे कपड़े रहते हैं बारिश के मौसम में, तो हम क्या करते हैं जो वॉशिंग मशीन रहता है उसी में कपड़े डाल लेते हैं सूखने के लिए, तो वही तरीका क्या करता है सारा का सारा पानी ऐसे अपनी तरफ खींच लेता है जिसके वजह से शर्ट के अंदर कोई भी पानी नहीं बचता है और आपका सारा कपड़ा सूख जाता है। तो कैसे बनता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जो मतलब यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्कूल में जाएंगे तो मैम वगैरह एक्सपेरिमेंट कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो बोलिएगा कि मैम या सर जो भी आपको पढ़ाते हो साइंस, कि बोलेगा सर इसका एक्सपेरिमेंट करवाइए, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। भले कितना भी समझा दें, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। और आपका हक भी बनता है, जब आपके पापा फीस जमा करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का भी पैसा देते हैं, तो किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जाके जब ये चैप्टर आपसे पढ़ाएंगे तो जाके बोलिएगा कि इस और एक जब एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि पहला एक्सपेरिमेंट आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जैसे मान लेते हैं दो लिक्विड है ऑयल और पानी है, आपस में मिला दिया गया, नहीं बच्चे होते हैं पानी और लिक्विड को तेल को आपस में मिला देते हैं, तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका होता है, तरीके को कैसे बताएंगे सर आपके स्कूल में बताएंगे, कैसे बता के प्रैक्टिकल करा के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कौन सा ऑयल है, यहाँ पर ले लिया वाटर और केरोसिन आई यानी कि मिट्टी का तेल, अब दोनों को अलग अलग करना है, कैसे करेंगे ये आपके स्कूल में जब प्रैक्टिकल होगा तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। वैसे दूसरा आता है साल्ट और कैम्फर में, यानी कि जो नमक होता है और जो कैम्फर होता है उसको में कैसे अलग कर सकते, कैम्फर यानी क्या होता है हमारा कपूर होता है, कपूर को पीस के अलग कर दीजिए, ठीक है, और नमक को मिला दीजिए, अब कैसे दोनों को अलग करेंगे वो भी जब कहाँ जाएंगे स्कूल में जाएंगे तो इस तरीके से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि जो कॉटन होगा ना वो सारा सारा अब्जॉर्ब कर लेता है कपूर को, जिसकी वजह से बस नमक बचता है और नमक बाहर निकल जाता है। तो स्कूल में जब जाएंगे तो सर से या मैम से बोलिएगा कि मैम क्या करवाइए, प्रैक्टिकल करवाइए, नहीं तो हम शिकायत कर देंगे, ठीक है, और नहीं करवाएंगे तो घर पर आके आप बताएंगे कि पापा देखिए प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके भविष्य में एक काम आएगा, फ्यूचर में जब 12th पास कर जाएंगे जब नीट वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें काफ़ी ये पूछता है, ठीक है। देखो यहाँ पर बताया नहीं है लेकिन थोड़ा सा लिखा है, कह रहा है जो जिससे हम क्या करते हैं दो लिक्विड को अलग अलग कर सकते हैं वो कौन सा तरीका है, डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस तरीके से जब आप लैब में जाएंगे तो यहाँ पर स्टैंड होगा, स्टैंड में थोड़ा सा ये क्या होगा बर्नर होगा, बर्नर यानी कि जिसमें आग निकलता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा एक फ्लास्क होगा, फ्लास्क के अंदर मिक्सर रहेगा, और यहाँ पर जब आग जलाएंगे इसमें से हीट बाहर निकलेगा और इस तरीके से जो प्योर लिक्विड होगा वो बाहर आ जाएगा और नमक वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। ये सब क्लास में करेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं बताते बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो और ये एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आ जाएगा, समझाने से नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है, तो जाके मैम से जरूर कहिएगा। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा थोड़ा ज़रूरी है, ये देख लेते हैं, आता नहीं है लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है, कह रहा हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। मान लेते हैं आपके पास कोई गैस नहीं है, ठीक है, मतलब घर में कोई गैस नहीं है और आप चाहते हैं कि गैसेस यानी जो हमारे आसपास जो एयर है जो हवा है उससे हम क्या करें ऑक्सीजन को निकालें उन गैसेस में, तो कैसे निकालेंगे। देखो हमको सबको पता है कि जो गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, यानी कि उसमें बस गैस होता है उसमें धूल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है एयर जो होता है ना वो क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसके वजह से उसमें से गैसेस को निकाल सकते हैं किसके द्वारा, डिस्टिलेशन के द्वारा। कौन सा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होता है ध्यान से सुनिएगा, देखो ये है हवा, हम यहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं इस हवा में से ऑक्सीजन को निकालना है, तो उस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले देखो कंप्रेस करना पड़ेगा और ठंडा पर करना पड़ेगा, क्या करके प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक रूम है, रूम में क्या है एक कंटेनर है बहुत बड़ा, उस कंटेनर में जितने भी हवा होगा ना उस कंटेनर में के हवा को दबाएंगे आप खूब ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस मतलब क्या होता है दबाना, खूब ज़्यादा हम कंप्रेस करेंगे और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा जो वातावरण होगा जो टेम्परेचर होगा वो गर्म नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे ठंडा रखेंगे। तो वही कह रहा है वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ा देंगे और प्रेशर खूब ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि जो कंप्रेस कर रहे हैं ना हवा को दबा रहे हैं वो खूब ज़्यादा दबाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर दो चीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को घटा रहे हैं यानी कि ठंडा कर रहे हैं और खूब ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं उस हवा पर, पहला प्रोसेस। दूसरा पर देखो कह रहे हैं अलाउ टू वार्म अप स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि जो यहाँ पर पाइप वगैरह था ना उसको हम क्या करेंगे अलाउ करेंगे ताकि यहाँ से जो हवा होके यहाँ से कंप्रेस होके इस रास्ते बाहर आए, तो जब बाहर आएगा तो उसको हम कंटेनर में कैद कर लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा ऑक्सीजन या कोई भी गैस हो गया, अब लिखा है ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई भी गैस हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो देखो यहाँ पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ऑक्सीजन का वो कितना होगा -183 डिग्री, यानी कि जब तक टेम्परेचर आपका -183 डिग्री नहीं पहुँच सकता तब तक आप ऑक्सीजन को ऑब्टेंड नहीं कर सकते। वैसे ही नाइट्रोजन का है -196 डिग्री, तो जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे आप तब तक गैसेस को ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्टेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं किसी भी गैस को ऑब्टेंड कर सकते हैं हवा से। ठीक, इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, जैसे था वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, वैसे ही आता हमारा क्रिस्टलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है दो नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, या हो सकता है मैथ्स में एक ही नंबर में आए। तो ये होता क्या है, देखो सो आपके घर में होता है सॉल्ट यानी कि NaCl यानी कि नमक होता है, जो सब्जी में भी पड़ता है, नमक में पड़ता है, और चिकन वगैरह या पनीर वगैरह बनता है तो उसमें भी नमक पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो नमक कहाँ से आता है, मतलब दुकान से तो आता है लेकिन दुकान वाले कहाँ से लाते हैं, उसको कंपनी बनाती है, कंपनी कैसे बनाती है, देखो कैसे बनाती है, जो समुद्र का पानी होता है ना उसमें भरपूर मात्रा में नमक है और वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला, तो जो कंपनी है वो क्या करती है समुद्र के किनारे बड़े बड़े फैक्ट्री लगा लेती है, ठीक है, समुद्र पानी निकालती है और निकाल करके उसको क्या करती है सुखाती है, बहुत ज़्यादा गर्म करती है, जिसकी वजह से जो उसके में समुद्र का पानी होता है वो पानी इवेपोरेट कर जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, पानी जब गर्म हो जाता है तो उसमें से भाप बन के ख़त्म हो जाता है और जो नमक होता है घुला हुआ वो बच जाता है। कंपनी क्या करती है उस नमक को फिल्टर कर देती है, साफ़ सुथरा करके हमारे घर तक पहुंचाती है, इसलिए जो नमक वो बहुत सस्ता मिलता है, 20 रुपये 18 रुपये किलो मिलता है। क्यों, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है और नमक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए उस नमक हमेशा क्या मिलता है सस्ता मिलता है किसी भी चीज़ से। तो उसके कौन सा प्रोसेस करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि पानी को हटा करके बस क्रिस्टल बसता है, यानी छोटे छोटे पत्थर बसते हैं, उन पत्थरों को पीस करके हमारे घर तक टाटा साल्ट आता है और वो नमक हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट यानी कि नमक वी गेट फ्रॉम सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी से हमें मिलता है, कई सारे उसमें इम्प्योरिटीज रहते हैं, कई सारे उसमें गंदगियाँ रहती हैं, तो कंपनी वाले यही करते हैं कि उस गंदगी को साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं इसी मेथड से, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें से समुद्र को पानी को प्योरीफाई करके उसमें से नमक को निकाला जाता है, अपनी भाषा में आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि मैम यही देखती है कि आपके पास कितना ज़्यादा ज्ञान है, कितना पता है आपको, तो जितने अपना मतलब पे लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो बस आपको मतलब पता होना चाहिए क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता क्या है, तो क्या होता है बस समुद्र से जो नमक निकालते हैं उसी के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी तक हमने जितना पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे क्या, मिक्सचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस यानी कितने तरह के प्योर होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था लास्ट में ये वाला, हम पढ़े चैप्टर में मैटर, उसके बाद पढ़े हैं प्योर सब्सटेंस, मिक्सर, मिक्सर हमने पढ़ लिया, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, अब हम किस में आ गए हैं प्योर सब्सटेंस में, कि तो भी दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट होता है जिसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता यानी कि वो लास्ट पॉइंट होता है, उसको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, दूसरा होता है कंपाउंड जिसको और से हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, तो उसी को हमको पढ़ना है। टॉपिक का नाम भी वही है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस यानी कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पहला आता है हमारा एलिमेंट यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको और छोटे मात्रा में नहीं तोड़ सकते, या किसी मान लेते हैं ये मान लेते हैं अगर ये एलिमेंट रहता इसको हम और ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ों में नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये क्या है कंपाउंड है, इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ से इसका जो नोक है उसको निकाल सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए कंपाउंड है। कंपाउंड क्या कहता है, कंपाउंड जो होता है ये दो या दो से अधिक चीज़ों से बनी हुई होती है और इसको हम तोड़ के अलग अलग चीज़ों में बांट सकते हैं, लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आगे है। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से, बस सुन लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आते हैं एलिमेंट में, एलिमेंट हमको इतना पता है कि एलिमेंट जो होता है उसमें बस एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं और उसको और छोटे मात्रा में हम उसको तोड़ नहीं सकते, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन है हमको पता है कि उसमें बस ऑक्सीजन ही होगा और उसको और छोटे मात्रा में हम तोड़ नहीं सकते, उसी को एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट को बोला तीन तरीकों में हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आता है मेटल। मेटल क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर क्या हो हार्ड हो, यानी कि मतलब मेटल ऐसी चीज़ होती हैं जो हार्ड हो, जैसे कि मान लेते हैं नाइफ। ठीक है, ये चाकू है क्या, एक तरह से मेटल है क्योंकि ये हार्ड है। ठीक है, और क्या है, लस्ट्रस है, साइनी भी हो सकता है, और कई भी चीज़ें होती हैं, वो क्लास 10 में जब जाएंगे तब वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, यहाँ पर बस उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है।
तो एलिमेंट एग्जाम में आता है लिखने के लिए सबसे पहले उसको क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिफिनीशन। क्या होगा डिफिनीशन? कि एलिमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको और ज़्यादा छोटे मात्रा में नहीं तोड़ सकते और उसी एक ही एलिमेंट से बनी होती है, यानी कि वो बस, जैसे मान लेते हैं अगर ऑक्सीजन है तो उसके अंदर बस ऑक्सीजन ही होगा, आयरन है तो उसके अंदर बस आयरन ही होगा, कॉपर है तो उसके अंदर बस कॉपर ही होगा, उसके अलावा और भी कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट को ज़्यादातर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, नॉन मेटल क्या होते हैं, जैसे ये पेन हमारा है, पेन क्या हमारा नॉन मेटल है, क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है, जब इसको जलाएंगे ना तो जल के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मेटलॉइड क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं, आधा मेटल होते हैं आधा नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10 में, यहाँ पर बस उसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं मेटल की, यहाँ पर दिया, आपको लगा नहीं दिया होगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मेटल के जो होते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा पूछता है चार नंबर में, चार नंबर पूछेगा तो मिनिमम चार पॉइंट या पांच पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि मेटल्स, मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि मेटल हमेशा साइन होते हैं, लस्टर में, यानी कि चमकते रहते हैं, ठीक है। कोई भी मेटल देखेंगे, आयरन हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हमेशा क्या रहेगा, चमकता रहेगा, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी यही आ जाती है कि दे हैव अ लस्टर, यानी कि साइन होता है, लस्टर मतलब होता है चमकना, हमेशा चमकते रहते हैं। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर का, यानी कि जो मेटल होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं या ग्रे कलर के होते हैं या गोल्डन येलो कलर के होते हैं, ठीक है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल होते हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या कर सकती है, पास कर सकती है। अगर कहीं आपका जो दरवाज़ा है अगर लोहे से बना हुआ है, अगर उस पर तार गिर गया है और तारों में से बिजली आ रही है, तो अगर आपने उस गेट को छुआ तो आपको बहुत तेज़ क्या लगेगा, शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा, क्यों? क्योंकि जो लोहा है वो जिससे बना है आपका गेट, उसके अंदर से क्या हो रहा है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास कर रही हैं। तो वही लिखा है कि जो मेटल्स होते हैं, जो आयरन वगैरह हो गए, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब हो गए हैं, इससे क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास करता है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी जाता है, हीट भी जाता है। लेकिन अगर इसको जलाएंगे हम, पेन को, प्लास्टिक को, तो इसके अंदर से ना हीट जाएगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो स्विच बना होता है ना रूम में ऑन ऑफ करने के लिए, वो प्लास्टिक का बना होता है, इसलिए प्लास्टिक का बना होता है ताकि आपको करंट ना लगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है, जो भी मेटल होते हैं उनको हम खींच करके तार बना सकते हैं। तो जो भी तारें बनती हैं, चाहे घर में तार लगी हो, चाहे पंखे में लगी हो, चाहे बोर्ड में लगी हो, चाहे पोल पे लगी हो, जो भी तारें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, मेटल से बनी होती हैं। क्यों बनी होती है मेटल से, हमारे इससे क्यों नहीं बनी होती है प्लास्टिक से, क्योंकि हम जानते हैं प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, बस किससे करती है, आयरन वगैरह से या कॉपर से या गोल्ड से या सिल्वर से। तो ज़्यादातर कॉपर का यूज़ होता है क्योंकि कॉपर सस्ता मिलता है सिल्वर से, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं उनका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं, ठीक है। दे आर मलेबल। मलेबल क्या होता है, देखो जो भी मेटल होता है ना उसको पीट पीट करके हम पतला शीट बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, जो गोल्ड का होता है ना, सिल्वर का जो रोटी हम लपेटते हैं या रोल वगैरह खाते हैं, एग रोल वगैरह, तो उसमें से सिल्वर कलर का पतला सब लपेटा रहता है, उसी को हम बोलते हैं शीट। तो वो सिल्वर किससे बना होता है, सिल्वर मेटल का बना होता है, ठीक है। तो जब बर्गर वगैरह हम नहीं खाते हैं, बर्गर उसके ऊपर से चढ़ाते हैं सब बर्गर वाले, तो इसको भी क्या करते हैं, शीट कहते हैं। तो किससे बना होता है, मेटल को पीट पीट के बनाया जाता है। तीसरा चौथा प्रॉपर्टी हो जाएगा कि जो मेटल है वो डक्टाइल है, जिससे तार बनाया जा सकता है, मलेबल है, जिसको पीट पीट कर हैमर करके पतले पतले सीट बनाए जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, मेटल क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी कि जब मेटल को ऐसे पटकेंगे या उसको तगड़े करेंगे तो आवाज़ आएगा, ठीक है, टन टन की आवाज़ आएगी, घंटी बजेगी। तो स्कूल में जो घंटियाँ होती हैं वो भी किससे बनती हैं, लोहे से बनी होती हैं, इसलिए जब स्कूल में घंटी लगता है तो देखते टन टन करता है, तो किससे बना होता है, लोहे से बना होता है, यानी कि मेटल से बना होता है। ये दो दुछा प्रॉपर्टी है मेटल की, याद रखिएगा, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा। अब देखो एग्जांपल्स ऑफ मेटल, अब कुछ मेटल के नाम जैसे यहाँ पर दे दिया है, गोल्ड, गोल्ड भी सबसे अच्छा मेटल है, सबसे महंगा मेटल है, जानते ही हैं। सिल्वर एक सबसे बेस्ट क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी कि अगर बिजली किसी सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पास होती है तो सिल्वर है, लेकिन लोग उसका उसी जगह पर क्या यूज़ करते हैं, कॉपर, क्यों, क्योंकि सिल्वर महंगा आता है और कॉपर सस्ता आता है, इसीलिए लोग कॉपर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तारे बनाने के लिए, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि ये तो सही है कि सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर है, तो जो तारे होती हैं वो सिल्वर क्यों नहीं बनती हैं, तो आप बता सकते हैं कि सिल्वर क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है, उससे इसकी वजह से लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉपर की तारें यूज़ करते हैं। आयरन हो गया, लोहा, सोडियम पोटासियम, ये भी याद रखिएगा, सोडियम पोटासियम भी क्या है, मेटल है। मर्करी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में हमेशा आएगा, जब तक आप एग्ज़ाम देंगे, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा,
पूछेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे पानी की तरह रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मरकरी, यानी कि जो पारा होता है ना, पारा हिंदी में कहते हैं, जब मरकरी होती है वो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और मरकरी क्या होता है, मेटल होता है। तो इसको याद रखिएगा कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल होता है, तो मरकरी। ये बस एक ही यही है मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, जिससे हमारी बुखार वगैरह चेक होता है। तो ये याद रखिएगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया कुछ किसके बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे पेन हो गया। सबसे मतलब देखो, नॉन मेटल्स कहीं भी आएगा ना, तो सबसे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, प्लास्टिक्स, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो सबसे अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं। तो उनके अंदर ना कोई क्या बोलते हैं, ना हार्ड होते हैं वो, ना सोनोरस होते हैं, ना उनको पीट पीट के तारे बनाए जा सकती हैं, ना पीट पीट के सीट बनाए जा सकती हैं, ना उनके अंदर से हीट, ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, जैसे प्लास्टिक है ये लाल है, अब ये देख काला है, ये पीला भी आ सकता है, काला भी आ सकता है, तो जिस मन चाहे उस तरह से हम प्लास्टिक बना सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट आता है नॉन मेटल्स का कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो प्लास्टिक होते हैं उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो नहीं करता, इसलिए जो घर में स्विचेस होती हैं ऑन ऑफ करने के लिए वो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। फिर कह रहा है कि दे आर नॉट लस्टरस, वो शाइनी नहीं होती हैं, आवाज़ नहीं करती हैं, और उसको पीट पीट के सीट भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन मेटल्स हो गई। अब आते हैं कौन से नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल पे, जैसे अगर नाम लिया कि बताइए दो तीन एग्जांपल बताइए, नाम बताइए जो नॉन मेटल्स हैं क्या क्या हो जाएंगे, सारे सारे गैस, जितने भी गैस हैं, चाहे हाइड्रोजन हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे कोई भी हो गया, आयोडीन जो नमक होता है ना, NaCl, वो भी क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन, कोक, ब्रोमाइन, क्लोरीन, आपका चप्पल, जूता, पेंसिल, कागज, जो भी आप देख रहे हैं अगल बगल ना, वो सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। किताबें हो गई, फ़ोन हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गया, सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो इतना हमने चीजें जाना जो क्या थे, नॉन मेटल्स थे। अब लास्ट आता है हमारा मेटलॉइड्स, यानी कि जो मेटल भी हैं और नॉन मेटल के दोनों का प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। जैसे कि देखो, दे आर कॉल्ड नॉन मेटलॉइड्स, यानी कि ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट होंगे, यानी कि आधा हमारा मेटल होगा और आधा नॉन मेटल्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों को आप जिंदगी भर याद रखिएगा, ठीक है। ये भी हमेशा पूछेगा जब तक आपका जॉब नहीं लगता, पूछ सकता है कम से कम तीन ऐसे मेटल का नाम बताइए, सॉरी मेटलॉइड का नाम बताइए, जिनके अंदर मेटल्स का भी खासियत होती है और नॉन मेटल्स की खासियत होती है। तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीन ऐसे मेटलॉइड्स हैं जिनके अंदर मेटल भी होता है और नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्स। अब आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड का एक ही मतलब होता है कि उनके अंदर एक से ज़्यादा क्या रहेंगे, मटेरियल्स होंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है अंग्रेजी में, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, कंपाउंड एक चीज़ होती है जिनके अंदर कंपोज यानी कि बना होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से, यानी कि उनके अंदर एक से या एक से ज़्यादा एलिमेंट रहते हैं। यानी कि जैसे एलिमेंट क्या होते हैं, यही सब होते हैं ना, आयरन वगैरह, गोल्ड, कॉपर, तो उनको अगर मिला देते हैं, जैसे सिल्वर और कॉपर को मिला दें, ठीक है, और क्या था, सोडियम पोटासियम को मिला दें, और क्या था हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें, तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड। यानी कि जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उन्हीं को बोलते हैं कंपाउंड। सो यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अदर फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड्स। नाम में ही क्या है, कंपाउंड्स, यानी कि जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में कम हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कंपाउंड्स, ठीक। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, क्यों डिफरेंस दिया गया है, क्योंकि ये तीन या चार नंबर में आता भी है, यानी कि मिक्सर और कंपाउंड क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है। देखो, इस मिक्सर में भी दो या दो से अधिक चीज़ें होती हैं, अभी हमने जाना, मिक्सर का मतलब होता ही है मिक्स, यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिक्स होंगी, और कंपाउंड में क्या होता है, ये भी इसमें भी मिक्स रहती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों बच्चे सोच रहे होंगे दोनों तो एक ही है, इसमें भी चीज़ें मिली हुई हैं, इसमें भी चीज़ें मिली हुई हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये प्योर सब्सटेंस होती हैं, यानी कि जो कंपाउंड होते हैं उसमें चीज़ें तो होती हैं एक दो से अधिक, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो प्योर सब्सटेंस में होती हैं, लेकिन जो मिक्सर होता है उसमें जो सब्सटेंस होती हैं वो प्योर नहीं होती हैं। तो उसी को हमको देखना है। देखो, पहला पॉइंट आता है, कह रहा है एलिमेंट या कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, यानी कि मिक्सर में अगर हम किसी भी चीज़ को मिलाते हैं तो नया कंपाउंड नहीं बनेगा, वही कंपाउंड रहेगा जो पुराना था। यानी कि अगर मिट्टी लें, धूल लें, आपस में मिला दें, तभी वो मिट्टी धूल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी धूल को मिला दिया तो सोना बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो आता है मिक्सर में। अब कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, यानी कि जब दो एलिमेंट आपस में टकराएंगे तो नए एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, गोल्ड ले लें और क्या ले लें, आयरन ले लें। जब गोल्ड सोने और लोहे को आपस में मिलाएंगे ना, तो एक तरह का मेटल एलॉय बन जाता है। एलॉय कहाँ यूज़ होता है, कुछ चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। तो कंपाउंड में ऐसा होता है, यानी कि
जो मिक्सर होता है उसमें अगर दो चीज़ें मिलती हैं तो वही चीज़ें बनेंगी, नया चीज़ नहीं बनेगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलती हैं तो नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब मिक्सर एज अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि मिक्सर में कोई भी चीज़ कम भी हो सकती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लेते हैं धूल ले लें, मिट्टी ले लें, मिट्टी की संख्या ज़्यादा कर दें और धूल की संख्या कम कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई भी सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, देखो द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, जो भी चीज़ बनेगा ना वो फिक्स मात्रा में बनेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं गोल्ड था, अगर 10 ग्राम लेते हैं और जो आयरन था वो भी 10 ग्राम लेते हैं तो नया फॉर्मेशन बनेगा ही बनेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। ये डिफरेंस होती है जो किसमें कंपाउंड और मिक्सर में आता है एग्जाम में लिखने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अब मिक्सर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टेंट सब्सटेंस, यानी कि जो मिक्सर होता है वो धूल और मिट्टी का ही क्या दिखाएगा, प्रॉपर्टी दिखाएगा। लेकिन ये इसका प्रॉपर्टी बदल जाती है, यानी कि जब दो एलिमेंट आपस में टकराते हैं तो तीसरा प्रॉपर्टी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से ये नया बन जाता है, बस वो क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। ये होता है हमारा डिफरेंस, ठीक। एक बार और हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है अच्छे से। चैप्टर वन में पढ़ा मैटर, चैप्टर टू में हमने आए तो देखा है कि मैटर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सर। पहले हमने पढ़ा मिक्सर, मिक्सर हमने देखा कि दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और दूसरा हेटरोजेनियस। होमोजेनियस हमने देखा कि यहाँ पर एक फैमिली के लोग रहते हैं, यानी कि घर के लोग रहते हैं, यानी कि जैसे सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि नमक और पानी हो गया, चीनी और पानी हो गया और नींबू पानी हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे, होमोजेनियस में। हेटरोजेनियस में अलग होता है, इसमें कई तरह के लोग रहते हैं, जैसे मेट्रो हो गया, जब मेट्रो ट्रेन में आप जाएंगे तो ट्रेन में कई तरह के लोग मिलते हैं, जैसे कि एक सॉल्यूशन होगा, पानी हो गया, पानी के अंदर दूध भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए, नमक भी डाल दिए, मिट्टी भी डाल दिए, सब डाल दिए, तो उसको बोलेंगे हम हेटरोजेनियस मिक्सर। ये हो गया मिक्सर का। फिर हमने आया पढ़ा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट ऐसी जो होती हैं जो खुद से बनी हुई होती हैं, अब उनको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, जैसे कॉपर, आयरन, ऑक्सीजन, मरकरी, गोल्ड वगैरह, ठीक है। फिर आया हमने कंपाउंड में पढ़ा, कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट से बनते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाकर कंपाउंड बनते हैं, और जब इनको तोड़ते हैं तो फिर से एलिमेंट मिल जाता है, और जब जोड़ते हैं तो फिर से नया कंपाउंड बन जाता है। ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर आपका, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।